केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव के लिए 3 नए विधेयक लोकसभा में पेश कर दिए हैं। नए दंड संहिता में अब 533 धाराएं बचेंगी। 133 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को बदला गया है और 9 धाराओं को हटा दिया गया है। राजद्रोह का कानून हटाकर देश की अखंडता के प्रति अपराध की धारा रखी गई है। कुल 313 बदलावों के साथ नए कानूनों की मदद से पुलिस को 180 दिन में जांच पूरी करनी होगी। अधिकतम 3 साल में मुकदमे का फैसला आएगा। आरोप तय होने के 30 दिन के अंदर सजा सुना दी जाएगी। 2027 तक सभी अदालतों को कंप्यूटराइज्ड करने का लक्ष्य है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली में सांसदों की हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। ये रैली प्रगति मैदान से इंडिया गेट होते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक गई। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का उत्सव मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि 2047 तक भारत विश्व के शीर्ष पर होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया है। राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान बिना पूछे 5 सांसदों का नाम लिखकर अपना प्रस्ताव पेश कर दिया था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का निलंबन भी बढ़ा दिया गया है। लोकसभा में पीएम मोदी को नीरव कहने पर अधीर रंजन चौधरी को भी निलंबित किया गया है। सभी का निलंबन विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक जारी रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में और भी दल शामिल होने वाले हैं, जो अभी डर के मारे हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें जबरन सीएम बनाया था। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से 3 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। जेपी नड्डा कल मिदनापुर जिले के कोलाघाट में बीजेपी की पूर्वी पंचायत कार्यशाला में हिस्सा लेंगे और पंचायत चुनाव में हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों से भी मिलेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले भी 2 दिनों तक कोलकाता में संघ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य में बाढ़, सड़क, किसान, सांड और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल किए। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने जिले में ही सांड सफारी बना लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चांदी की चम्मच में खाने वालों को जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि ये 2014, 2017, 2019 और 2021 में हारे हैं। 2024 में इनकी 0 सीटें आने वाली हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष समेत अन्य पदों के लिए 12 अगस्त को ही वोटिंग होनी थी। हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन ने बीजेपी सांसद और महिला पहलवानों के उत्पीड़न के आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह की उम्मीदवारी पर सवाल उठाए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और हवाला केस के आरोपी नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 17 महीने बाद अंतरिम जमानत दे दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। नवाब मलिक को फरवरी 2022 में अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन के हादसे हो रहे हैं। बिलासपुर जिले के कोठीपुरा इलाके में एम्स के गेट के सामने ही भूस्खलन का हादसा हुआ है। इस हादसे में बिलासपुर से शिमला हाईवे पर जा रही कार मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। अमेरिका के हवाई द्वीप पर लगी आग में अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस आग के कारण भारत से ले जाया गया 150 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ भी झुलस गया है। 46 तने वाले इस पेड़ को अप्रैल 1873 में लहाइना शहर में लगाया गया था।